हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 6 जुलाई के आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में आपको क्या क्या मेंशन करना है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला आपको यह है सेंटर टू सॉफ्ट एंड प्यूनिटिव स्टेप इन एनवायरमेंट केस। ठीक है, तो सेंटर ने क्या किया है, सॉफ्ट एंड किया है, मतलब वो ज़्यादा इजी किया है पॉजिटिव स्टेप्स जो कि एनवायरनमेंट केस है उसमें। इसमें है कि मिनिस्ट्री पॉइंट टू सजेशन टू डिसक्रिमिनलाइज प्रोविज़न। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया है, पॉइंट किया है, पॉइंट दिया है कुछ सजेशंस। ठीक है, पॉइंट किया है कुछ सजेशन को जिससे डिसक्रिमिनलाइज प्रोविज़न को लेकर के उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, ये बताया गया है फर्स्ट वाले में। दूसरा देख लीजिए, द स्टेटस ऑफ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। ठीक है, तो स्टेटस क्या है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है साउथ एशिया में, उस चीज़ को लेके ये न्यूज़ है जो कि हमें अपने शॉर्ट नोट में मेंशन करना है। इसमें बताया जा रहा है कि 2013 में क्या हुआ, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, उन्होंने क्या किया ड्यूरिंग हिज विजिट टू कजाकिस्तान एंड इंडोनेशिया। जब उन्होंने कजाकिस्तान और इंडोनेशिया विजिट किया तो उन्होंने एक्सप्रेस्ड किया एक विजन। ठीक है, कैसा विजन, बिल्ड करने के लिए सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। ठीक है, और 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड MSRB। ठीक है, बॉटल लेकिन एशियन कनेक्टिविटी। तो उन्होंने ये चीज़ एक्सप्रेस किया ये करने के लिए। अभी ये जान लीजिए, आपके पाकिस्तान के साथ भी BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, और चाइना जो चाइना पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC भी है जो कि BRI प्रोजेक्ट है। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ भी BRI प्रोजेक्ट चाइना कर रही है। तो पर चाइना जो बांग्लादेश है वो दोनों को क्या करना चाहती है, अपने गुड बुक्स में रखना चाहती है बांग्लादेश। तो उसने क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो चाइना के साथ तो BRI प्रोजेक्ट की है, साथ ही साथ इंडिया के साथ भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी लाई है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में देनी है। तीसरा है वुमेन मैथमेटिशियन फ्रॉम यूक्रेन विंस फील्ड मेडल। तो वुमेन मैथमेटिशियन है यूक्रेन की, वो जीती है फील्ड मेडल। ठीक है, उन्होंने विन किया है, वो जीता है उन्होंने। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है उनका नाम है मरियाना। ठीक है, मरियाना नाम है उनका। उन्होंने ये बोला कि वॉर हैज़ प्रोफाउंडली चेंज्ड हर लाइफ। बता रही कि वॉर की जो सिचुएशन है वो बता रही हैं कि उन्होंने उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है जिस तरीके से वॉर की सिचुएशन यूक्रेन में बनी हुई है। तो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, 3 न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो सेंटर ने पॉजिटिव स्टेप में जो इन्वायरमेंट केस से रिलेटेड बोला है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्टेटस क्या है। अभी आप अगर आपका PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आपको उसमें भी ये चीज़ जानना ज़रूरी है, या सिर्फ IR का सब्जेक्ट ले ले उसमें अगर इंडिया और चाइना के इश्यूज़ को, या चाइना इंडिया और चाइना के बायलेटरल रिलेशन, या बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसमें ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि स्टेटस जो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साउथ एशिया में किस किस कंट्रीज़ के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, या अभी जो वो एक्सप्रेस्ड की है अपना विजन जब वो विजिट करी है कजाकिस्तान और इंडोनेशिया, तो भी उसने क्या चीज़ एक्सप्रेस की, किस तरीके का विज़न रहा उसका, वो चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, जिससे और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका आंसर और मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तीसरा वुमेन मैथमेटिशियन है यूक्रेन की जिसने अभी जीता है मेडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा शॉर्ट नोट का एनालिसिस। अगर आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट का एनालिसिस अच्छा लगता है जो मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।